समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अभी आप जाएंगे उठ के या मैं जाऊँ, आप बता दो मुझे कंफर्म। मैं नहीं जाऊँगी उठ के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ उठ के। मेरे को कुछ नहीं समझना आपसे, बस बात खत्म। अंबिका आज ग्राम एक्सक्यूज मी बस तुम्हारी बात सुनने। एक्सक्यूज मी, हाय हाय, कैसे हो आप? ठीक। चिल्ला क्यों रहे हो? एक्सरसाइज कर रहा था आवाज की। सॉरी, आवाज की एक्सरसाइज कर रहा था। मैंने पहली बार सुना कि आवाज की भी एक्सरसाइज होती है। अच्छा, मैं बैठ जाऊं यहाँ पे? बैठ जा। आवाज की भी एक्सरसाइज होती है? मैंने तो पहली बार सुना कि आवाज की एक्सरसाइज होती है। हाँ, आवाज की होती है। थोड़ा जो गले का जो बेस होता है ना, बेस वो बढ़ाते हैं इससे, तो वो एक्सरसाइज होती है। कैसे? लाइक बेस, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, आवाज की एक्सरसाइज की जरूरत का है? मैंने तो आज तक नहीं की। नहीं देखो, जैसे बेस इन द सेंस, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, अब क्लियर बोलना है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ लिखा है, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। इसको थोड़ा क्लियरली बोलना है, तो वर्ड को तोड़ तोड़ के बैठ जाओ अंबिका आज, ऐसे ना थोड़ा शब्द को तोड़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक है। शशांक, करते क्या हो आप? मैं थिएटर करता हूँ। क्या करते हो? थिएटर। अच्छा, थिएटर करते हो? तो थिएटर, ये बुक थिएटर की है क्या? नहीं, ये बुक परचेज किया, बट ऐसे इस प्ले का एक्चुअली हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अच्छा, प्ले का प्रिपरेशन। अब मैंने आपको काफ़ी देर से देख रही थी कि ना, आप बहुत इतने जोर जोर से और बहुत ही ज़्यादा लाउड में आप कर रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं आप क्या कर रहे हो, इसलिए मैं आपके पास आ गई। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, बुरा नहीं। या फिर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो आप? थोड़ा सा तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होऊंगा, लेकिन ठीक है, कोई बात। अच्छा, तो आप डिस्टर्ब काफी देर से कर रहे हो, 2 घंटे से कर रहे हो। आप कितना चिल्लाओगे, गला सूख जाएगा, गला फट जाएगा। नहीं, मैं एक स्क्रिप्ट कम से कम 200 बार पढ़ता हूँ। कितनी बार? 200 बार। और वो एक्ट कितने देर का होता है जिसे आप 200 बार पढ़ते हो? जी, वो एक्ट 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का होता है? तो आप थिएटर करते हो, अगर देखा जाए तो थिएटर करते हो, तो अच्छी बात है। इसमें तो थिएटर करते हो, बट इतना जोर जोर से चिल्लाना, बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं। देखो, अब हम लोग रील्स तो बनाते हैं नहीं, ठीक है? अच्छा, आप रील्स वालों को क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि हम रील्स तो बनाते हैं नहीं। हाँ। तो 15 सेकंड में वीडियो बना के बैठ गए। हाँ। है ना, थिएटर में मेहनत लगता है। आपको पता है, आप इतने सारे बहुत सारे रील्स वगैरह जो बनाते हैं, आप उन पे कमेंट कर रहे हो कि वो रील्स बनाते हैं, तो क्या ये वो? मैं सब पे कमेंट कर रहा हूँ जी। सब पे क्यों कमेंट कर रहे हो भाई? बस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ, आप खाना वाना कम खाते हो क्या? क्या आप इतने दुबले पतले हो यार? थोड़ा कि थिएटर वाले लोगों को पतला रहने के लिए थिएटर वाले ने बोल रखा है? ऐसी बात नहीं है। खाना पीना कम नहीं खाता, बस थोड़ा टाइम नहीं रहता है, उधर टाइम मिलता है तो खा लेता हूँ अपने। तो आप खाना खाओगे, आप ठीक से रहोगे, तभी तो थिएटर करोगे। थिएटर करेंगे। अब यही है कि आजकल थोड़ा पैसे वैसे कम मिलते हैं क्या थिएटर में? पैसे मिलते कहाँ हैं? मिलते नहीं है, तो फिर करते क्यों हो? फिर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब तरीका है थिएटर जीने का तरीका। हाँ, जीते हो स्टेज पे। हाँ। कैसे जी लेते हो इस स्टेज पे? जीते हो, जब बिना खाए पिए जी लोगे, बिना पैसों का जी लोगे लाइफ? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप जीओगे बिना लैब पे। कहीं ना कहीं से हो जाता है, बट थिएटर में कहीं ना कहीं से भाई, अब कोई काम करेगा और वो पैसे के बारे में ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं से आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। आजकल कौन देखता है थिएटर, आप बताओ कौन देखता है? हाँ, तो नहीं देखते, तो आपको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब कोई देखता नहीं है तो क्यों ही करना फिर? इम्प्रूव करने की जरूरत ये है, जो लोग देखते हैं वो करो। नहीं, कोई इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप लोग कुछ भी देखेंगे तो कुछ भी करेंगे क्या? ऐसा अरे कुछ भी कहने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा बोल रही हूँ कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी देखते हैं, तो अच्छा काम करो। मे भी लोग थिएटर अगर नहीं पसंद करें तो कोई और वे में काम करो, जरूरी है। और वे बोले तो जैसे? और वे लाइक यूट्यूब करो, और भी बहुत। यूट्यूब नहीं करता। तो एटलीस्ट वहाँ से आप अच्छे से रह तो सकते हो? अच्छे से नहीं रह सकता यूट्यूब, आई जस्ट यू नो लाइक यूट्यूब पे क्या करूँ, यूट्यूब पे बताओ लाइक जो आप थिएटर करते हो वो यूट्यूब पे करो, इसमें दिक्कत क्या है? कर सकता हूँ यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें पता नहीं यूट्यूब पे आप जैसे थिएटर है, थिएटर के एक आर्ट के तरीके से देखता हूँ मैं। जैसे आर्ट के तरीके क्या होता है? दिखता है उसमें चीज़ें। अच्छा, क्या आप थोड़ा ठीक से बैठ जाएंगे? मेरे को थोड़ा सही सा नहीं लग रहा, आप ऐसे बैठे हो तो। थैंक यू। बैठने का भी तरीका आप बताएंगे तो? और क्या थिएटर में नहीं दिखाया जाता है बैठने के क्या तरीके हैं? मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देख के। ऐसे मैं रिलैक्स, मैं 2 घंटे से ऐसे ही रिलैक्स बैठ बैठ के, कई बार मैंने पोर्शन चेंज किया। अरे बट फिर भी अगर पास में कोई आके बैठा है, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा ऐसे फैल के बैठना, तो इसमें कौन सी बड़ी, इसमें बुराई नहीं है? मेरे को नहीं लग रहा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया आपको। मैं बताता हूँ आपको, सीधी बात है कि थिएटर करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है, तो अच्छी बात है। मैं कब बोल रही हूँ कि थिएटर छोड़ो? मैं अंतिम सांस तक थिएटर करूँगा। हाँ,
और दूसरी चीज जो YouTube वाली बात आपने बोली, मुझे नहीं लगता वो आर्ट है। तो आप एक बात बताओ, आप ऐसा बोल रहे हो कि थिएटर कोई देखता नहीं है। हाँ। आप जो थिएटर में करते, चलो ठीक है, जो चीजें ऑडियंस जहाँ से देखे, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब ऐसा मुझे ऐसा रिएक्शन ऐसा दिख रहा है कि आप परेशान हो रहे हो। आप थिएटर कर रहे हो, एटलीस्ट लोगों को दिखाने के लिए ही ना कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है वो कहीं से भी ऑडियंस देखे। यार मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि मेरे को दिखाने के लिए कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम करो मत करो। मैं अरे भाई तुम खुद भी बोल रहे हो ना, नहीं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को आप परेशान कर रहे हो, मैं आराम से यह चीजें अपने कर रहा हूँ। परेशान मैं नहीं कर रही हूँ, परेशान आप खुद हो रहे हो सवाल कर करके। आप अपने बारे में देखो ना, आपने यार मुझे नहीं बताना अपने बारे में, आप चले जाओ यहाँ से, सुबह से मेरा दिमाग खराब है, दिमाग खराब कर रहे हो। एक बार समझा दिया, मुझे नहीं जानना, मैं थिएटर करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोई मुझे देखे ना देखे मुझे नहीं जानना है, आप चले जाओ, आप इधर से आए थे जाओ, बस बात खत्म, आप जाओ। दिमाग क्यों खराब कर रही हो सवाल कर करके? आप नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा, दिमाग खराब कर दिया, आराम से मैं कर रहा था ना। आपको क्या लग रहा है कि ये कैरेक्टर जो आपका है, ये ऐसा थिएटर में ऐसा थिएटर वाले लोगों का ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए? देखिए वो मेरे आप ढंग से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। मेरे को नहीं आता कम्युनिकेट करना। क्यों नहीं आता भाई? आपको कैरेक्टर से दिक्कत है, मैं कैरेक्टर का नंबर देता हूँ, आप उससे बात कर लो। कैरेक्टर से नहीं, क्या कैरेक्टर दिया उसने कि आप ऐसे बात करो किसी से? मुझे नहीं, अरे ठीक है आप ये कर रहे हो, मैं इस पे तो कमेंट ही नहीं कर रही हूँ आपके। मुझे नहीं बताना है यार, आप क्यों परेशान कर रही हो मुझे, बताओ मुझे। मैं तब से प्यार से आपसे बात कर रहा था ना, मैंने एक बार भी आपको गुस्से से बात की नहीं करा, आराम से बात कर रहा था। तो इसका मतलब क्या कि आपने पहले 5 मिनट आपने गुस्से से बात नहीं करा तो आप गुस्से से बात करोगे? क्या हो गया, आप किसी को परेशान करोगे तो गुस्से? क्या परेशान किया मैंने तुम्हें? यार आप चली जाओ। तो उल्टा पुल्टा बात तो तुमने बोला ना मुझे, तुमने बोला ना कि तुम, यार आप समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत मैं जिस टोन में आपसे बात कर रहा हूँ ना, बहुत प्यार से कर रहा हूँ। हाँ। अब मैं जैसे बात करता हूँ ना वैसे मैंने अभी तक की भी नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो कैसे बात करते हो? और आप, आपको क्या लग रहा है कि आप इस तरह की फालतू बात, एक मिनट मेरी बात सुनोगे? हाँ बोलो। सुनना चाहते हो? बोलो। नहीं सुनना चाहते हो? मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि यार एक बार बोल दिया आपको बोलने के लिए। हाँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी आप अभी थिएटर के बारे में बोल रहे थे, आपने ऐसा बोला कि लोग देखते नहीं है, लोग ये नहीं करते हैं, वो नहीं देखते हैं। हाँ, आपने ये बोला ना, ठीक है, हाँ, मैंने तो आप अपनी एक्ट लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, चार बातों को समझो पहले, चाहे पहुंचाना चाह रहे हो। आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि लोग वहां से जाके देखे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से देखे? मैंने यही बातें बोली थी आपको, कुछ और बोला था मैंने आपको, तो ये बातें आपको समझ में क्यों नहीं आई? नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अभी आप जाएंगे उठ के या मैं जाऊंगा, आप बता दो मुझे कंफर्म। मैं नहीं जाऊंगी उठ के, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ उठ के, मेरे को कुछ नहीं समझना आपसे, बस बात समझो, घर पे जाके ना जाओ, आर्ट के बारे में पढ़ो और उसको समझो। आर्ट के बारे में तुम क्या समझा रहे हो यार, तुम्हें खुद ही नहीं पता है। मैं जा रहा हूँ बस। हाँ, इसलिए नहीं पता है? हाँ, नहीं पता। बैठो एक मिनट मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे बात नहीं कंप्लीट हो रहा, तुम जा रहे हो क्या समझा रहे हो? मुझे समझाओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा एक्ट के बारे में, ये समझाओ एक्ट के बारे में कि क्या समझा रहा हूँ। देखो हमें पहले स्टोरी मिलती है, स्टोरी मिलती है, उसके बाद कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है, ये बंदा प्ले करेगा, ये बंदा करेगा, वो बंदा करेगा, उसके बाद हम लोग रिहर्सल करते हैं। अभी मैं रिहर्सल करके आया हूँ, तब यहाँ पे मैं वर्ड्स को ब्रेक कर रहा था। जब मैं वहाँ 4 घंटे रिहर्सल करके आया हूँ, तब मैं यहाँ बैठ के 2 घंटे से। तो इसमें बुराई क्या है? तो तुम्हें प्रॉब्लम है मैं तुमसे बात करने आई? इस बात का इस बात का नहीं है तो किस बात का प्रॉब्लम है फिर? ये देखो प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। किस बात का, वही तो पूछ रही हूँ, किस बात का प्रॉब्लम है? किस बात का प्रॉब्लम है बताओ, पूछ रही हूँ, वही पूछ रही हूँ ना, किस बात का प्रॉब्लम है? किस बात का, एक्ट नहीं हो रहा है या फिर थिएटर नहीं हो रहा है या फिर क्या, किस बात का प्रॉब्लम? मेरे खुद के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, वही तो पूछ रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? काम की प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ। किस है? काम का, कैसा काम का प्रॉब्लम? आपको काम नहीं है, आपको मिल रहे हैं सब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो फिर? यार देखो हाँ, आज के डेट में आपको लगता है कि चलो थिएटर एक है, एक है सिनेमा, है ना, थिएटर से उठ के ही आजकल जितने मैंने देखा है थिएटर करते हैं, सिनेमा के लिए करते हैं ना। अब एक सिनेमा की तरफ देखो आप, आपको क्या लगता है सिनेमा में क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है चीजें, जो चीज आगे जानी चाहिए वो चीज जा रही है? हाँ, बहुत सारी चीजें जा भी रही हैं। अच्छा, नहीं भी जा रही है? हाँ हाँ जा भी रही है, नहीं भी जा रही है। देखो मेरा ना हर चीज देख के दिमाग ही खराब होता है, ठीक है, चाहे वो सिनेमा हो या जो चीजें मैं थिएटर में देख रहा हूँ कि यंग लड़के जिन्होंने खुद 2 साल किया है। हाँ। वो खुद स्टार्ट कर देते हैं सिखाना। हाँ। ग्रुप बना के। हाँ। उनको ठीक से खुद की प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होती है। ओके। लेकिन वो खुद डायरेक्टर बनकर। आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत परफेक्ट हो? परफेक्ट मैं तो सीख रहा हूँ। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? जैसा बाजार बना बैठा है वो चीज देख के प्रॉब्लम आती है ना। प्रॉब्लम क्या है? सबको अपना अपना काम करना भाई, तुम्हें नहीं करना है, सबको काम करना है, सबको अर्न करना है, सबको अपनी फैमिली संभालना है, कुछ भी करके अर्न करना है।
कुछ भी करके अर्न कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं? चोरी, चीट कर रहे हैं। किस बात की चीट कर रहे हैं? आपको आर्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस बात का प्रॉब्लम है आपको? क्या कर रहे हैं वो लोग खिलवाड़? सबका अपना अपना तरीका है दिखाने का, अपना अपना तरीका है दर्शाने का। ऐसा कुछ है ही नहीं। और आपका जो तरीका है वो मुझे ही नहीं पसंद आया, बाकियों को क्या पसंद आएगा? आपको नहीं पसंद आया तो अच्छी बात। सीरियसली नहीं आया इसलिए लोग नहीं देखना पसंद करते हैं आपको, और इसलिए मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर में कोई देखना भी पसंद करेंगे। नो प्रॉब्लम है ना, कोई बात, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए आप समझो बात को। हाँ, मुझे प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं अभी आपके ऊपर गुस्सा भी हुआ ना, तो शायद वो हो सकता है कि दो तीन दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन की चीज़ें हों जो एक साथ अचानक से बहुत सारी आपने चीज़ें बगल में बैठी। आपको पता है क्या, एक जो एक्टर होता है, जो भी एक एक्टर होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना देखने पड़ते हैं, है ना, उनको हर एक सिचुएशन में उन सिचुएशन के हिसाब से ढलना होता है, बट वो आपको नहीं आता है, आप कैसे आप अपने आप को एक्टर बोल सकते हो यार? सिचुएशन ढलना, एक्टर को एक्ट करना आना चाहिए। हाँ, तो एक्ट नहीं आती है ना आपको? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं आता। तो आप क्यों फिर ऐसे, क्यों आप ऐसे फिर बोल रहे हो बाकियों के बारे में कि यूट्यूब पे ये नहीं करना, मुझे इंस्टाग्राम का रील थोड़ी बनाना है, मुझे ये नहीं करना, क्यों कर रहे हो फिर? सब अपना एटलीस्ट काम तो कर रहे हैं ना। कोई कर रहे करे, मैं कुछ नहीं, वो मेरा ओपिनियन है, इंडिविजुअल मेरा ओपिनियन है, नो वरीज। मैं आपसे बहस में नहीं लड़ सकती, ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा कि मैं आपसे बहस में जीत पाऊंगी। आपके साथ ना कुछ अलग सा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, आपके ऊपर चिल्लाए उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, हो सकता है दो तीन दिन। यू हैव टू बी, या आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम गोइंग, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी एंड सॉरी फॉर वट एवर आई हैव डन, थैंक यू। सीरियसली यार, ये ना एकदम से फ्रस्ट्रेटेड है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कभी कभी आप किसी से स्ट्रेंजर ऐसे बात करने चले जाते हो ना, कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी नहीं सही होता है। जैसे ना अभी इनके साथ ये ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी वो एक्ट को लेकर के हो सकते हैं, या फिर जैसे भी हो सकते हैं, थिएटर में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। मेरे को समझ सा नहीं आया, मैं कुछ कर ही नहीं पाई इनके लिए, सपोर्ट की ज़रूरत होगी इनको मे बी, या फिर जैसे भी है।